कमल नाम के इस दोषी द्वारा की हुई हत्याओं का पर्दाफाश होने पर आईपीसी 302, 304 सेक्शन के मुताबिक दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। खाने की क्वांटिटी बढ़ाया गया है। हाँ, रसा से मटन के टुकड़े आए हैं। अब जाइए ना, दो छिपकली। ये क्या आदमी है? जेल में जब से आया है तब से देख रहा हूँ। अपने साथ सेल में एक साथ रहता है, फिर भी किसी से बात नहीं करता। वो मुंह खोल के कुछ नहीं बोल रहा है, तो भी उसकी आंखों में बदले की भावना दिखाई दे रही है। और उसके दिल में कौन से आग के गोले फटते होंगे। नो! क्या है, कोई सपना आया क्या? सपना है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जैसे हकीकत है। क्या हुआ तेरे साथ? मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, मुझे लगता है उसे समझने वाला दिल इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इस दुनिया में दिल नहीं है दोस्त, लेकिन इस जेल की दीवारों को दिल है। इस चार दीवारें ने कितनी कहानियां सुनी होंगी और कितने रोते हुए दिलों को सहारा दिया होगा। मुझे देखो, मेरा नाम चंकी है। फुटपाथ पर पैदा हुआ और भूख के साथ पला। कम से कम मुझ पर दया करके खाना खिलाने वाला कोई नहीं मिला। भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए इस गुंडागर्दी में उतरा और बड़ा गुंडा बन गया। 14 मर्डर किया ब्रदर, लेकिन बेचारे पुलिस वालों को गिनती नहीं आती। मेरे नाम से 10 ही मर्डर रिकॉर्ड किए। मैं भी वैसा ही हूँ। मेरा नाम जॉनी है। मेरी भी इच्छा थी गांव से शहर आकर काम धंधा करके जीवन गुजारने की, लेकिन यहाँ आकर भ्रष्टाचारी और गुंडे मवालियों ने मुझे खराब कर दिया। अपनी जरूरत के लिए मैं स्मगलर बन गया और आवेश में आकर कातिल बन गया। मेरा नाम सूर्या है। क ख ग घ अक्षरों से पढ़ाई शुरू करके डिग्री खत्म किया। बेरोजगारी ने मेरा शिकार किया और गरीबी मेरी पढ़ाई पर हंसी। डिग्री लिए हुए इन्हीं हाथों से चाकू तलवार चलाना पड़ेगा, सपने में नहीं सोचा था।
हमारे दिल में जो था वो तुम्हें बता दिया, फिर तुम्हारे दिल में क्या दर्द है हमें नहीं बता सकते क्या? जिंदगी के बीते हुए अच्छे पल मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। रूपा, तुम्हारा घर आ गया। रूपा, तुम्हारा घर आ गया है। मेरा घर है? छी, मुझे लगा तुम्हारा घर है। ओहो, लगता है मुझे घर से निकलवाओगी। अगर मेरी शादीशुदा बीवी की तरह सीधे मेरे घर पर आ जाओगी ना, तो मेरे भैया भाभी कंफ्यूज हो जाएंगे और तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे देंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारे तो भैया भाभी हैं, सिर्फ मैं ही एक अनाथ हूँ। मम्मी डैडी के फ्लाइट एक्सीडेंट के बाद मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, और अब तुम भी शादी करने से इनकार कर रहे हो। देखो रूपा, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, किसी भी बात का वक्त होता है। और वक्त कब होगा? चांस बनना चाहिए। वो कब बनेगा? मौका मिलना चाहिए ना। वो कब मिलेगा? ओहो, झगड़ा करने से क्या होगा, प्यार की बात भैया को बतानी पड़ेगी। तुम्हारी खूबसूरती, चाल चलन, रहन सहन, सबको ये सब कब उन लोगों को पसंद आएगा और कब हमारी शादी होगी? तुम तो बस नाम के लिए बड़े बॉक्सर बनते रहते हो, भैया भाभी के सामने तो तुम्हारी जबान भी नहीं खुलती। ऐसा मत कहो, मैं जब चाहूँ तब अपने भैया भाभी से शादी की बात कर सकता हूँ। मतलब एक महीने में? महीना मतलब 30 दिन? हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे बापरे, बिल्कुल नहीं होगा। अरे कहा ना, नहीं नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया भाभी? अरे कुछ नहीं हुआ बाबा, खाना बनाते वक्त ये सब होते रहता है। कब तक हाथ जलाती रहोगे? मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने एक लड़की को देखा है। अरे वाह, तुम्हें भी घर की जिम्मेदारी समझ में आ गई लगता है। वैसे वो काम वाली है कौन? काम वाली? कितना भी अच्छा काम करती हो, वो तुम्हारी तरह सोचेगी या तुम्हारी बहन बनेगी? इसीलिए बहुत सोच समझ कर मैंने एक लड़की से प्यार किया है। ओहो, ऐसी बात है क्या? यही बात है भाभी। भाभी किसी तरह से तुम भैया को शादी के लिए मना लो ना। पहले मुझे उन्हें राजी करना होगा। तो कर लो ना। कौन है वो लड़की? नाम रूपा, जर्नलिज्म पढ़ रही है, बहुत खूबसूरत है, और अगर सच कहूँ तो तुमसे भी बहुत खूबसूरत नहीं है। ऐसी बात है, तुम्हारा मस्का पॉलिश मेरे सामने नहीं चलेगा। अरे तुम्हारी समझ में आ गया क्या? तो मेरी शादी कैसे होगी? तुम्हारी शादी करवाने वाले तुम्हारे भैया, लेकिन उन्हें मनाना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा मत बोलो भाभी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में क्या है? करछी है ना, तो वो मेरे हाथ में कैसे हुए? वो भी तो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा सामना करना भैया के बस की बात नहीं है। तुम जा करके जरा भैया से बात करो। अरे जाओ ना। ओह, खूबसूरत लड़की, प्यार, रोमांस, ये भी बहुत बड़ा आदमी बन गया है। इतना प्यार में डूबा है ये, तो किचन में क्यों छुप रहा है? जरा अपने प्यारे देवर को बुलाना तो। कमल, ऐसे क्यों बुला रही हो? जरा प्यार से बुलाओ, तब सुनेगा ना वो। कमल, मैं बुलाता हूँ, देखो। कमल, बुलाया क्या भैया? तो इस तरफ है, तो ठीक है। तुम किसी से प्यार करते हो क्या? प्रेम? छी, आपकी परमिशन के बिना प्रेम कर सकता हूँ क्या? तुम्हारी भाभी ने तो ऐसा ही बताया। आपसे ऐसा कहा क्या? हाँ। और मैं बताऊँ मुझसे क्या कहा? हाँ। मुझसे कहा तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, कब तक कुंवारे रहोगे? तुम्हारे भैया तो तुम्हारी शादी के बारे में सोचते तक नहीं है। तू ही किसी लड़की को पटा के शादी कर ले तो मुझे किचन में सहारा मिल जाएगा, ऐसा कहा। ऐसा बोली क्या? नहीं तो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। भैया के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भैया से डरती हो क्या? अरे इसकी बात छोड़ो, तो तुम क्या बोलते हो? बोलना क्या है भैया, मेरे भाई श्री राम है तो मैं लक्ष्मण हूँ। मेरे भाई शादी के लिए कहेंगे तो करूंगा, उनकी बात को काट कर कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। सीता जैसी मेरी भाभी है, उन्होंने कहा मेरा कष्ट समझो। देखो लक्ष्मण जी, सीता जी ने जो कहा वो ठीक है कि तुमने जो कहा वो ठीक है? ये सब क्या है, अगर प्यार करते हो तो डरते क्यों हो? किस हिम्मत से कहेगा ये? हाफ चड्डी छोड़े 6 महीने भी नहीं हुआ, इसकी प्यार करने की उम्र हो गई क्या? उसकी उम्र में आप प्यार नहीं करते थे और मोटरबाइक पे बैठकर आप मेरे घर के चक्कर नहीं काटते थे? मैं? अरे उस समय मेरे पास बाइक ही नहीं थी। आपके पास बाइक थी? नो, मैं स्कूटर पे आता था। अरे आप बाइक पर आते थे? अरे मैं स्कूटर पे आता था। नहीं, आप बाइक पर ही आते थे? मैं स्कूटर पर ही आता था। मैंने कहा बाइक पर आते थे। अरे मैं स्कूटर पे ही आता था। अरे आप बाइक पर आते थे? स्कूटर पे आता था। अरे ऑर्डर ऑर्डर। आइए अंकल, सही समय पे आए हैं, वरना इस घर की लड़ाई वर्ल्ड वार में बदल जाती। पूरा वर्ल्ड आपके घर में है तो वर्ल्ड वार तो होना जरूरी है ना। तुम ठीक हो ना बेटी? ठीक हूँ चाचा जी। क्या बात है, आजकल आप आते ही नहीं। क्या करूं बेटी, गुनहगार लोग तो कोर्ट में कभी कभी आते हैं, लेकिन मुझे तो रोज जाना पड़ता है। कैसे हो बॉक्सिंग हीरो, प्रैक्टिस कैसी चल रही है? इसकी प्रैक्टिस तो आजकल डेट्स और रोमांस में चल रही है। वो क्या है? अंकल जी, आजकल इनकी प्रैक्टिस बॉक्सिंग पर नहीं, प्यार, रोमांस, इश्क पर चल रही है। सचमुच?
तो आप क्या समझ रहे हैं, प्यार में विफल होकर देवदास बनने का इनका प्लान है क्या? इनके साथ ऐसा ना हो ऐसा प्लान ये कर रही हैं। इस केस में प्यार करने वाले गुनहगार को कुछ कहना है? एक ही बात है यार ऑनर, किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं, प्यार की कुर्बानियों से इतिहास भरा पड़ा है। अपने भाई के लिए मैं भी प्यार कुर्बान कर दूंगा। अब बहुत हो गया, अपनी ड्रामेबाजी बंद करो। तुम्हारे प्यार और शादी में हम कोई रोक नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? भैया तुम तो भगवान हो, रुको आरती लेकर आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, ये प्यार और शादी सब बाद में, पहले तुम अपने बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। तुम्हारा इतना सपोर्ट है तो बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में ही जीतूंगा, एक पंच दूंगा ना तो नॉकआउट। करेक्ट। सर बहुत बुरा हुआ, गलती हो गई सर, आपने बॉक्सिंग की कोचिंग दी और आपको ही मार दिया। सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। मुझे मार के तुम क्यों दुखी हो रहे हो? YMCA में होने वाली बॉक्सिंग कंपटीशन में तुम सेलेक्ट हो गए हो, ये लो फॉर्म। थैंक यू सर। रूपा, कभी तुम्हारे लिए गुड न्यूज़। मैंने वहाँ खड़े होकर सब कुछ सुन लिया है मिस्टर बॉक्सर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। पहले ये बात भैया और भाभी को बतानी है। सर, आपको मारने के बाद ही ये खुशखबरी मिली है, ये बात कंटिन्यू रहेगी, ये होता रहेगा। नहीं जानकी, मैं अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता सकता। अगर आपकी तकलीफ आप हमें बताएंगे नहीं तो हमारी समझ में कैसे आएगी? क्या बताऊं जानकी, बिजनेस में लॉस हो गया है, चारों तरफ से कर्जे में डूब चुका हूं, सारी जिंदगी दोस्तों रिश्तेदारों में इज्जत से जिया हूं मैं, और अब उन्हीं लोगों के सामने मुझे अपना सर झुकाना पड़ेगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लगता है कमल आ गया, उसे पता चलेगा तो बहुत दुख होगा उसे, उसके सामने ये बातें मत करना। चलो रूपा, बिल्कुल मत डरना, कोई गड़बड़ नहीं होगी, प्यार कभी किसी से नहीं डरता, धीरज रखो और चलो। तुम मुझे इतनी हिम्मत देने के बाद खुद क्यों डर रहे हो? पर तुम मेरे साथ रहोगे ना? हाँ रहूंगा रहूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यही मेरा घर है, हमारा मंदिर। हा हा। कमल। कौन हो बेटी तुम? मैं बताओ ना। किसे बोलने को कह रही हो? तुम्हारे पास तो कोई नहीं है। नहीं है। कमल। बच्चू। क्यों रे? इस लड़की को यहाँ लाकर तू पीछे क्यों छुप रहा है? जी, मैं कहाँ छुपा था, मैं तो इसे हिम्मत देने के लिए पीछे खड़ा था। रूपा ऐसे क्या देख रहे हो, नमस्ते करो। नमस्ते। वो क्या है ना भैया, मैं जैसा बोलता हूँ ये वैसा करती है, जरा हटना तो भैया। लड़की कैसी है? कैसी क्या पूछता है, वो तो सोने जैसी है। तो सोचना क्या है, मार्केट में सोने का भाव बढ़ने से पहले हम दोनों की शादी कर दोगे तो बिजनेस अच्छा रहेगा। वो तो ठीक है, ये बॉक्सिंग चैंपियन तुम्हें कहाँ से मिल गया? मैं इनकी फैन हूँ। मैं इनकी फैन हूँ। ओ, अभी से इनकी फैन बन गई क्या? ये कोई माइक टाइसन है क्या? इतना मजाक मत उड़ाइए भैया, मैं भी कम टैलेंटेड नहीं हूँ, YMCA की बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। सच में? वेरी गुड। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं कोई माइक टाइसन हूँ क्या जो माइक पे सबको बताऊंगा? है चोपड़ा, देख पहले तू अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस पूरी कर, बाद में तुम्हारी शादी। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। हमारा प्यार मेरी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में रुकावट नहीं बनेगा। भैया भैया, हम लोग पिकनिक पे तो जा सकते हैं ना? पिकनिक अभी क्यों? क्या बात करते हैं भैया, अपने अपनी जोड़ी के साथ डुएट तो गा सकते हैं ना, खड़े क्या हो जाओ ना। क्यों आई हो? तुम प्रैक्टिस में मुझे बिल्कुल भूल ही गए हो और बॉक्सिंग में मार खाकर तुम्हारे कंधे कड़क हो गए हैं और तुम्हारा दिल पत्थर का है ना? नहीं रूपा, ये दिल नहीं गेस्ट हाउस है, तुम दूर रहोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा, तुम नहीं दिखोगी तो सब सूना सूना लगेगा और तुम साथ रहोगी तो गार्डन में हरियाली जैसी रहेगी। सच कहता हूँ रूपा, तुम ही मेरी जान हो,
तुम ही मेरा प्यार हो। बेटा चिरंजीवी छोटे चल हट रे बेवकूफ कहीं के। तो ये है तुम्हारा बॉक्सिंग प्यार? सॉरी सर, सपना देख रहा था, सपने में बॉक्सिंग। शट अप, मुझे लग रहा था कि तुम बॉक्सिंग किट को पंच मारोगे, लेकिन तुम तो इसे पप्पी पे पप्पी दे रहे हो। सॉरी सर, बताया ना वो मूड में कुछ। अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम्हारे पप्पी ने इस किट को गीला करके धोके सुखा के मंगलसूत्र में बांध कर फैमिली बना दिया होता। मैंने आकर किट का मान सम्मान बचा लिया है। दोबारा ऐसी पागलपन वाली हरकत की तो तुम्हें हैदराबाद भेज दूंगा। ऐसा नहीं है सर। कुछ मत बोलो, दिमाग लगाकर उसे शांत कर प्रैक्टिस करो, मारो। सॉरी सर, जोर से लगी क्या? क्यों नहीं लगेगा बेटा, तूने तो फूल फेंक के मारा है ना मुझे। हाय कमल। ये नहीं हो सकता, सपना ही। कमल, ऐसा तुम किसको बोल रहे हो? अरे किसको, तुम्हें? नॉनसेंस, न्यूसेंस, डिस्टरबेंस। तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई और तुम नाराज हो रहे हो? मुझे देखते ही आंखें गले से लिपट जाओगे, ऐसा लगा था मुझे। शट अप, ये सब ड्रामा सिनेमा और टीवी में होता है। कमल, तुम ही हो ना? हाँ मैं, तुम कौन हो? विश्वामित्र की तपस्या भंग करने वाली मेनका की तरह मेरे सपने में आती हो। समझ गई कमल, तुम सारे मर्द एक जैसे ही हो। टाइम पास के लिए प्यार, एंटरटेनमेंट के लिए औरत, खुशी के लिए लड़कियों को चेंज करना, तुम्हें भी आदत हो गई। रूपा रूपा रूपा। सर 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 सर, कई भैंस पानी में। कमल भैया, भैया व्हाट अ सरप्राइज, YMCA में कब आए? अभी आया हूँ। यहाँ किसी काम से आए हो भैया? हाँ, तेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मेरी प्रैक्टिस का क्या भैया, बहुत अच्छी चल रही है। और भाभी कैसी है? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती है, तुम घर पे नहीं रहते तो सन्नाटा हो जाता है। कमल। हाँ, वन मिनट, चलता हूँ भैया। लेकिन तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं भैया, जरूर कोई बात है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी कसम खा के बोलो। बताता हूँ आखिर क्या हुआ कि। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? क्या हुआ भैया, रुक क्यों गए, बोलो ना। कमल जल्दी करो। वो सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं नेशनल होटल में ठहरा हूँ, अपनी प्रैक्टिस खत्म करके शाम को वहीं पे आ जाओ। हा? हाँ जरूर आऊंगा भैया, शाम को हम दोनों साथ में खाना खाएंगे भैया। okay, भैया okay. चलता हूँ। श्रीराम जी, वो तो दोपहर को ही निकल गया। कोई मैसेज है क्या? नो मैसेज। आपका फोन आया है। हेलो, कौन बोल रहा है? कमल, मैं हूं श्रीराम। भैया कहां से बात कर रहे हो? हैदराबाद से। हैदराबाद से? जाने से पहले एक बार बोला तो होता। कमल, दरअसल मैं एक बहुत मुश्किल में फंस गया हूं। मुश्किल में? मैं एक ऐसी चीज में फंस गया हूं जो तुम्हें अभी नहीं बता सकता। आखिर हुआ क्या है भैया? कमल, दरअसल क्या हुआ कि। हाँ कमल। हेलो। हाँ हेलो भैया, हेलो हेलो भैया,
क्या करूं भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है भैया किसी मुसीबत में है। वो तो मुझे पता है कमल, आजकल वो हमेशा उदास रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है पूछने पर भी वो कभी कुछ बताते नहीं है। कह रहे थे आजकल उन्हें कुछ नापसंदीदा काम करना पड़ रहा है, इसीलिए उदास हैं। नापसंद काम? हाँ कमल, उसके बारे में सोचकर डर लगता है। उनकी तकलीफें क्या है और वो किस जाल में फंसने जा रहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता कमल। चेची रो मत भाभी, मेरे रहते हुए भैया को कुछ हो सकता है क्या? भैया को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है, और जब वो वापस आएंगे ना तो उन्हें सारी बातें सच सच बतानी पड़ेंगी, और जब तक नहीं बताएंगे तब तक तुम उनको घूंसे मारती रहोगी। ऐसे ऐसे ही हमेशा हंसती रहा करो, समझी? उसके बाद क्या हुआ, जल्दी बताओ। जब मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया था तब वो किसी परेशानी में लग रहा था। ए वीरा स्वामी, बच्चे को लाने के लिए कॉन्वेंट गया कि नहीं? वहीं पर जा रहा हूँ सर। आप कब जाएगा इडियट, सब काम चोर बन रहे हैं। हाँ तुम बताओ। हेलो प्रसाद, रात को डीएसपी साहब के घर के बर्थडे पार्टी कैसे? सिंपली सुपर्ब, खाली फोकट मिस हो गया। अपना एसीपी नई बीवी के साथ आया था गुरु, माल झक्कास है। इतनी खूबसूरत है? एकदम क्लास, लाल साड़ी, लाल ब्लाउज और लाल बदन, हर मेजरमेंट एकदम परफेक्ट। इंस्पेक्टर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। हाँ तो कहो ना अपनी कौवा कहानी। अगर मेरी कहानी कौवा कहानी है तो आप लोग क्या कश्मीर समस्या पर बात कर रहे हैं? मिस्टर देखो इंस्पेक्टर, मैं यहाँ कहानियाँ सुनाने नहीं आया, रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। लिखो। क्या क्या है तुम्हारा रिपोर्ट? तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा है ना, वहाँ मिसिंग रिपोर्ट इंचार्ज है, वहाँ जाकर तुम रिपोर्ट लिखवाओ, वो हमारी ड्यूटी नहीं है। रुकिए, आपकी ड्यूटी क्या है मुझे पता है। ये टेबल कुर्सी यूनिफॉर्म आपको किस लिए मिली पता है? जनता को इंसाफ और सुरक्षा देने के लिए। चल रहे चल। सर ये कॉलेज में स्ट्राइक कर रहा था, स्टूडेंट को अंदर जाने से रोक रहा था। क्या रे, पढ़ाई कम हो रही है और मस्ती ज्यादा। जिस दिन पुलिस से डर निकल जाएगा ना, तुम्हारा नाम भी लॉक ऑफ डेथ में आएगा, समझ गया? महात्मा गांधी के डंडे के सहारे ये देश चल रहा है। जरूरत पड़े तो उस डंडे को स्टैंड गन में बदल दो और इन क्रूर राक्षसों का अंत कर दो। हमारी ज्वाला से इन्हें भस्म होना चाहिए और भले लोगों को सच्चाई की राह दिखनी चाहिए। आपके भाई नहीं दिख रहे हैं तो ताज्जुब हो रहा है हमें। 3 महीने पहले उनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी, तब से मैंने उनके साथ काम नहीं किया है, तब से उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन कुछ दिन पहले वो बाबू नायडू के साथ पार्टनर बन गए थे, ऐसा सुना था मैंने। बाबू नायडू से मिलना कोई मामूली बात नहीं है। उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। और वो तुम्हारे भाई को पहचानता होगा या नहीं? आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ। अरे वाह, यहाँ से देखने पर ये शहर कितना अच्छा लगता है ना? क्या है कमल, तुम्हें अच्छे मूड में लाने के लिए कितनी कोशिश कर रही हूँ पर तुम और अपसेट होते जा रहे हो। सॉरी रूपा, जब तक भाई नहीं मिलेगा मुझे चैन नहीं आएगा। पर इसके लिए ऐसे दुखी होके तो कैसे चलेगा, तुम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो ना कमल। लेकिन क्या फायदा, भाई के बारे में कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही है। सोचा था कि पुलिस का सपोर्ट मिलेगा लेकिन उनके ऊपर से भी भरोसा उठ गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे भाई पहले किसी के बिजनेस पार्टनर बने थे है ना, कौन है वो? कोई बाबू नायडू है, उससे मिलने के लिए 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। बाबू नायडू से मतलब बिग इंडस्ट्रियलिस्ट? हाँ तो फिर आज शाम तुम उससे मिल सकते हो। कैसे? कैसे, इस शहर में कोई भी फंक्शन हुआ तो इस जर्नलिस्ट को पता चले बगैर कुछ भी नहीं होता। तुम पहले मेरे साथ चलो। शंभु शंकर, हर हर महादेव। आप सबको मैं दोनों हाथों से नमस्कार करता हूं। मैं बता रहा हूं, मुझे माइक के सामने बोलने की आदत नहीं है, है ना? बिल्कुल है जी। कुछ लोग हैं जो बीवियों के सामने सच नहीं बोलते और बुरे काम नहीं करते, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होता। ये बिना आंख हाथ पैर के बच्चों को देखकर, अरे 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 अरे, मेरा दिल फट रहा है और आंसू तक नहीं रुक रहे हैं। ये लीजिए। ये क्या है? आंसू पोंछने के लिए। जब सच में आंसू निकलेंगे तब देना। इन लोगों को क्या चाहिए? घर नहीं, बंगले नहीं, पैसे नहीं, इन लोगों को चाहिए इलायची जितना प्यार।
इन लोगों की सेवा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं अपनी आंख हाथ और पैर इन्हें तो नहीं दे सकता। दोगे तो आपका क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए। क्या होगा रे? उन लोगों की तरह चश्मा पहनकर उनके साथ लाइन में बैठना पड़ेगा आपको। बच्चे और भगवान एक ही रूप के हैं, तो क्या इन बच्चों को हम लोग ऐसे ही हवा में छोड़ दें? अगर ऐसे ही छोड़ दिए तो अमेरिका में अब्राहम लिंकन का पैदा होने का क्या फायदा और यहाँ हमारे पैदा होने का क्या फायदा? लिंकन अमेरिका में पैदा हुए? कुछ गलत बोला क्या? करेक्ट है, लेकिन आपके पास इतनी जानकारी कहां से आ गई? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही हवा में छोड़ दिया। इसीलिए इन हाथों से कमाया हुआ बहुत कुछ में से जो कि मैंने मेहनत से कमाया है उनमें से थोड़ा सा इन बच्चों को देकर मैंने भगवान की सेवा की ऐसा समझूंगा। इसीलिए मैं इस विकलांग संस्था को प्यार से दे रहा हूं 10 लाख रुपए का चेक। लो बेटी। आखिर में आपका इस फंक्शन में आना लकी है सर। अरे मेरे लिए तो अनलकी है, 10 लाख गया ना। गया तो जाने दीजिए, कम से कम लोग आपको दानवीर तो समझेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है ये समझेंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है समझने दो। सर बाबू नायडू सर, सर कहाँ जा रहे हो? मुझे सर से मिलना है। कुछ काम होगा तो ऑफिस में मिलो। बहुत जरूरी काम। कहाँ ना ऑफिस में मिलो। एक्सक्यूज मी सर। अरे मेरा नाम कमल है, श्रीराम का भाई हो। अरे रे 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 रे, अच्छा तुम क्या बात है? अपने भाई के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, गाड़ी में जाते हुए बात करेंगे। चलो देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, ऐसा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं अपने बिजनेस में उसे पार्टनर बनाना चाहता था लेकिन वो तो नाराज होकर छोड़ के चला गया, फिर वो कभी नहीं मिला। अरे हाँ, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं? लिखवाई सर, लेकिन समझ गया, ये पुलिस वाले ऐसे ही हैं। बड़े लोगों के सामने सर हिलाते हैं, छोटे लोगों के सामने डंडे हिलाते हैं। उन लोगों के ऊपर वालों से काम करवाना चाहिए, तब वो लोग बात सुनेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मिनिस्टर से बात कर लूंगा। अरे भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, समझ गए ना, चिंता मत करो। चलो रे चलो, सब कार्टून बराबर ट्रक में रखो, चेक पोस्ट पर जरा संभल के जाना समझे, जरूरत पड़ने पर बीच में जो भी आए उड़ा देना उसको। हाँ, अपना ट्रक पकड़ाना नहीं चाहिए। क्या रे खान? नमस्ते भाई। कैसा है? अरे मार्केट में आपका बिजनेस बहुत अच्छा है भाई। कलकत्ता के लिए कोकेन, हरियाणा के लिए हीरोइन भेज दिया है, और गुजरात राजस्थान के लिए नकली नोट और सोना भेजना है भाई। आप नहीं समझोगे, ऑल ओवर इंडिया में अपने माल का डिमांड है। पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब है? ये क्या है भाई, हम लोग जो कर रहे हैं वो आलू प्याज बेचने का धंधा नहीं है जो इतना जोर से चिल्ला रहा है। हमारा बिजनेस साइलेंस बिजनेस है, इसके लिए लाइसेंस नहीं होता है। अरे खान, 20 साल पहले जब मैं गाड़ी पर सब्जी बेचता था ना, तभी भी तुम्हारे जैसा आलू ले लो बैगन ले लो नहीं चिल्लाता था, तभी मैं इतना ऊपर आया हूँ। सॉरी भाई। सॉरी नहीं, साइलेंट होकर काम देखो, वरना तुम विदाउट साउंड के सीधे ही साइलेंट ऊपर चले जाओगे। हाँ। भाई को ढूंढ रहे हो क्या? अपने भाई को ढूंढ रहे हो ना? कौन है तू? तुम्हारे भाई का बहुत खास दोस्त हूँ। तू मेरे भाई को पहचानते हो? पहचानता हूँ। तुम्हारा भाई कैसे गायब हुआ ये मुझे पता है। बताओ मेरा भाई कहाँ है और कैसा है? मैं नशे में रहूंगा तो मुझे कुछ कुछ याद आएगा। जेब में पैसे कितने हैं? इतना ही? रे रे। अब बताओ। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूंगा। श्री राम, बेचारा बिजनेस में लॉस खाकर कर्जदार हो गया था, बेइज्जती होने के डर से दुखी रहता था। उसी समय बाबू नायडू ने उसका कर्जा उतार दिया और उसे निश्चिंत कर दिया। वो इतना अच्छा आदमी है क्या? ऐसा सोचना भी बेवकूफी है।
बाबू नायडू नाम का तो बड़ा आदमी है, महान आदमी है, लेकिन वो बहुत बड़ा स्मगलर है, अंडरवर्ल्ड का किंग है, ये किसी को पता नहीं। तुमने जो कहा वो सच है? मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ, तुम्हारे भाई से वहीं परिचय हुआ था। ड्रग्स, हेरोइन, गांजा चरस, ऐसी सारी चीजें समाज को बर्बाद करने वाले जितने भी चीजें हैं, उनका ग्रेट डिस्ट्रीब्यूटर है। श्री राम को मदद करने के बहाने उसने उनकी फैक्ट्री को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारे भाई की अच्छाई उसे खटकने लगी, वो तुम्हारे भाई को पसंद नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि नो, अपनी फैक्ट्री में काले धंधे नहीं होने दूंगा मैं। तुमने मेरी मदद की है, मना नहीं कर रहा हूं, इसलिए तुमने जो कहा मैंने किया। अब मैं अपनी आत्मा को नहीं मार सकता। अरे अब बस भी करो, क्यों ऐसे लब 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 बात कर रहे हो? दिया जब जल रहा हो तभी घर का काम कर लेना चाहिए, टाइम जब ठीक हो तभी चार पैसा बचा के रख लेना चाहिए, लाइन सही मिले तो कुछ रुपए कमा लेना चाहिए, और ये लक्षण है बिजनेसमैन के। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम भी मेरी बात मानो और ये फालतू धंधे बंद कर दो। ये तो तुम एक्स्ट्रा बात कर रहे हो। देखो, गुंडा नेता बन सकता है और नेता गुंडा बन सकता है, लेकिन कभी किसी गुंडे को गांधी बनते हुए देखा है क्या? ऐसा होगा तो बुद्ध के पैदा होने का क्या फायदा और मेरे पैदा होने का क्या फायदा? ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर तो टेंशन दिख रहा है। अरे सुनो, घूमने के लिए गोवा चले जाओ, पिकनिक मनाने के लिए। बीच में रत्नागिरी में अपना एजेंट है ना, उसे ये सूटकेस दे देना और कागज जला डालना। ए सुनो, पेपर्स को आग लगाना मत भूलना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जाओ। ए रुको, हम लोग जो कर रहे हैं इस फालतू धंधे के बारे में पब्लिक और पुलिस को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो तुम्हारी औरत और तुम्हारे भाई के लिए खतरा, इसीलिए भाई हमारी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। देखो तुम कुछ गलत मत समझना, सेफ्टी के लिए। अब तुम जाओ। ए चोटी, इस पर पूरी तरह से नजर रखना। बेचारा तुम्हारा भाई तुम्हें अपनी तकलीफ बताने के लिए तुम्हारे पास आया था कि कुछ कह सकेगा। हाँ, वो जरूर कुछ बताना चाहते थे, लेकिन बिना बताए ही चले गए। क्या बताता वो बेचारा, ये भेड़िये लोग उसके पीछे जो पड़े थे, अगर वो अपना मुंह खोलता तो उसे अपने भाई की जान गंवानी पड़ती। एक अच्छे आदमी से बुरा काम करवाओ तो कितनी तकलीफ होती है, वो पागल हो जाता है। तुम्हारे भाई को देखकर समझ में आता था। अभी तुम जहाँ बैठे हो, उस दिन तुम्हारा भाई बैठा था। ए, ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर तुम्हें मेरे भाई के बारे में क्या पता है? क्या पता है तुम्हें मेरे भाई के बारे में? राम भी इसी धरती पर पैदा हुआ, परशुराम भी इसी धरती पर। जितना फर्क उन दोनों में था उतना ही फर्क हम दोनों भाइयों में है। आखिर में क्या हुआ मैं उसे सब बता दूंगा, इसीलिए मैंने उसे YMCA में भेज दिया है। लेकिन मेरा भाई मेरे लिए जरूर आएगा। हेलो, कोई भी मेरे बीच में आएगा उसे काट कर वो मुझे बचाएगा, बचाएगा। आपका फोन सर। देखा, देखा ना, मेरा भाई लाइन पर आया है, मेरा भाई। हेलो कमल, मैं तुम्हारा भाई बात कर रहा हूँ। कमल, मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ, तुम्हें हर हाल में आकर मुझे बचाना होगा। यहाँ पर कुछ लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। अरे, तू तो मेरी सोने की बिस्किट है। अच्छा मेरी बिस्किट, एक बात बता, उस सूटकेस को तूने कहाँ छुपा दिया और वो सारे पेपर्स तूने कहाँ रखे हैं, बता ना बाबा। अब तू एक्स्ट्रा रिएक्ट कर रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऊपर पहुँचा दिया है और तुझे भी मैं ऊपर भेज दूँ, ऐसी स्थिति में मत ला। तू कितना गलत काम करता है, सबूत के तौर पर मैं उस कागजात को पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुम्हारे साथ किए उस काले धंधे का मैं प्रायश्चित कर लूंगा। बकवास मत कर। वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, इसीलिए तुम्हारे भाई को बहुत टॉर्चर किया, इसके बाद कुछ पता नहीं चला। अगर दे दिए होंगे तो तुम्हारे भाई को मार दिया होगा, और अगर नहीं दिए होंगे तो जिंदगी और मौत के बीच में होगा। मेरे साथ चलो। कहाँ? जहाँ मेरे भाई को छिपा रखा है वहाँ। नहीं नहीं नहीं, जोश में मत आओ, बहुत देर हो गई है, अब और लेट नहीं कर सकते, चलो। क्या कर लो दादा, कैसा चल रहा है धंधा? अच्छा चल रहा है। तूने माल मांगा,
मैंने दिया। तूने मुद्दत मांगा, मैंने दिया। फिर भी पैसा? पैसा आते ही दे दूंगा मैं। इस बिजनेस में पैसा नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? चलो भाई, यहाँ रहना अच्छा नहीं है, वो तुम्हें देखते ही मार डालेगा। वो कौन है? बाबू नायडू का भेड़िया है, उस दिन इसी ने तुम्हारे भाई को। मेरे भाई को क्या किया? कौन तुम्हारा भाई? श्री राम। ओह, उस बेवड़े ने बताया क्या? मुझे नहीं मालूम है तुम्हारा भाई कहाँ है। बोल, मेरा भाई कहाँ है? बोल। पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस करता है, अपने आप को दादा समझता है क्या? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का डर निकल गया क्या? यही है तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर? नायडू ने मेरे भाई को किडनैप किया, क्या कर लिया तुमने? उसे अरेस्ट करने की हिम्मत है तुम्हें? उसे हथकड़ी लगाने की दम है तुम्हें? बाबू नायडू पे ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो तुम? उसी ने तेरे भाई को किडनैप किया है, कोई गवाह है तेरे पास? वो बेवड़ा गवाह था, उसको वो लोग पकड़कर तुम्हारे सामने ही तो लेकर गए, क्या कर लिया तुमने? गवाह चाहिए, गवाह। अगर उसे मारकर नदी में कहीं फेंक दिया होगा तो उसकी लाश मिलेगी तुम्हें, गवाह नहीं मिलेगा। तब उसकी लाश का फोटो निकालकर पोस्टमार्टम करवाना। ए! ए! मुझे पता है पुलिस वालों से कुछ नहीं छुपता। तू जिससे बात कर रहा है वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, याद रखना। क्या रे, तू पुलिस ऑफिसर है? तू जैसे लोगों के कारण डिपार्टमेंट से लोगों का भरोसा उठ गया है। क्यों पहनते हो यूनिफॉर्म? तुम्हारे बदन पर ये कफन जैसी लगती है, ऐसे लोगों को जेल में बंद करके ड्यूटी पूरी करने का नाटक करता है? अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है तो बाबू नायडू को पकड़ के दिखा। बहुत अच्छी ड्यूटी निभा रहा है इंस्पेक्टर, शाबाश। तूने इस ड्यूटी को और वर्दी को जो इज्जत दिया उसके लिए शाबाश। बाबू नायडू का झूठा खाकर तुझे चर्बी चढ़ गई है और उस चर्बी को मैं उतारूंगा। रुक रे, तू कहीं भी जा, छोड़ूंगा नहीं। भाग कहां तक भाग सकता है? तुझे घसीट के कोर्ट में ले जाऊंगा और वही तुझे खत्म कर दूंगा। बैड, वेरी बैड। क्रिमिनल लॉयर होने के नाते मैंने बहुत केस देखे हैं जो किसी से सॉल्व नहीं होते, ऐसे केस जीते हैं, लेकिन अपने ही घर का केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। यहां इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है और मुझे पता तक नहीं चला।
बताने के लिए फोन किया था अंकल, लेकिन पता चला आप दिल्ली गए हैं। तो क्या दिल्ली में फोन नहीं आता? वहां नहीं कर सकते थे? मुझे फोन क्यों करेगा बेटी, ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना। ऐसा मत कहिए अंकल, मैंने भाई के बारे में पता लगाया और बहुत सी बातें पता चली। बेटी जानकी जी, जरा कॉफी बना कर लाओ। मैं अभी लाती हूँ। तुम क्या कह रहे हो, अपने भाई के बारे में इंक्वायरी की है? आप जैसा सोचते हैं बाबू नायडू वैसा नहीं है, वो बहुत बड़ा स्मगलर है, पब्लिक की आंखों में धूल झोंककर बड़ा आदमी बन के घूम रहा है, माफिया लीडर है। ये तुम्हें किसने बताया? एक बेवड़े ने बताया। ये क्या तुम भी एक बेवड़े की बात को सच मान लिए? असली सच क्या है तुम्हें पता नहीं है? बाबू नायडू एक बहुत अच्छा आदमी है, तुम्हारे भाई ने ये बताया था। ऐसा यकीन करके तो वो फंस गए। फंस गए? किसकी बात कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटी। क्या करूं रूपा, भाई को देखे हुए महीना हो गया। मामा जी कहते हैं कि पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, पता नहीं भैया कहाँ होंगे कैसे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबू नायडू से ही पूछ लेता हूँ, सीधी तरह जवाब दिया तो ठीक है, नहीं तो। जल्दबाजी मत करो कमल, बाबू नायडू से दुश्मनी मोल लेना अच्छा नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। चिंता मत करो रूपा, कफन बांधने के बाद हर खतरा खेल बन जाता है, न्याय और धर्म जब तक है तब तक इस खेल में मैं ही जीतूंगा, तुम बेफिक्र रहो। कमाल आदमी अपने बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा है। सर सर सर, थोड़े टाइम के लिए अंग्रेजी बोलना बंद करेंगे क्या? क्यों, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? गलत आप नहीं हो जी। तो फिर गलत तो पूरी अंग्रेजी है। जुबान खींच लूंगा। बाबू नायडू साहब, आपसे बात करनी है। अभी? कल बात करेंगे। अभी और यही बात करनी है। आप लोग चालू रहिए, मैं अभी आता हूँ। जरा लफड़ा क्या रहे, यहाँ हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है और तू मुंह उठाया चलाया। मेरा भाई कहाँ है? हाँ, तुम्हारा भाई घर पर नहीं आया अभी तक? ठीक है, मैं अपने पीओ को बोल दूंगा कि वो कमिश्नर से बात कर ले, चल हैप्पी बर्थडे मना। सीधी तरह बता दे कि मेरा भाई कहाँ है, वरना इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इधर आ, उन दोनों को आने के लिए बोल, चला आजा। देखो बेटा, लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। अगर अच्छा बुरा सोचे बगैर महान लोगों को बदनाम करोगे तो इस देश में नेहरू जी के पैदा होने का क्या फायदा, मेरे पैदा होने का क्या फायदा? तू कितना महान है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तेरी असलियत क्या है। ये तुम बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुझे असली बात पता नहीं है, मुझसे पंगा लेकर कोई सुख से जी नहीं सकता। अरे मैं जीने दूंगा तब ना। अगर तू स्टाइल में खड़ा होकर मुझसे बात करेगा ना, तो इस देश में दाऊद के पैदा होने का क्या फायदा, मेरे पैदा होने का क्या फायदा? मैं कायर नहीं जो तेरी धमकियों से डर जाऊंगा। चुपचाप मेरा भाई लौटा दो, वरना तू मेरा एक घूसा भी नहीं सह पाएगा, और तेरे कुत्ते कब दुम दबा के भाग जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। तेरी मौत के बाद तेरी लाश को सूंघने तक नहीं आएंगे। तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए बाबू नायडू, अगर मेरा भाई वापस नहीं आया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। I will kill you. कोई आ रहा है, चलो भागो 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 भागो। ए, भाग क्यों रहे हो? आज फैसला कर लो। ए, तुम लोगों को नहीं रहे, जो तुम्हें पालता है ना उस बाबू नायडू को आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। ए, उसका अंत करके रहूंगा। इट्स अ चैलेंज। ए मिस्टर, चैलेंज क्या हुआ, कौन है वो लोग? एक नीच के पालतू कुत्ते हैं, काट देंगे तो भी पाप नहीं लगेगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। आई विल किल देम। ए, क्या बकवास कर रहे हो? अंदर पुलिस कमिश्नर साहब है, तमीज से बात करो। सर, मेरा नाम कमल है, मेरा भाई एक महीने से लापता है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उन तक पहुंचने ही वाला था लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने साथ नहीं दिया, मैं कहां जाऊं और किससे कहूं? तुम्हारे भाई को किडनैप किसने किया? इस शहर का एक मशहूर आदमी है, बाबू नायडू। बाबू नायडू, देखो तुम किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ, तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। मेरा खून बहेगा तो चलेगा सर, लेकिन
लेकिन मेरी जान से प्यारा भाई कहाँ पर है ये मुझे पता चलना चाहिए। बताइए सर, क्या मेरी मदद करेंगे? कल ही मैं एसीपी से बात करके सभी चीजों की इंक्वायरी करवा के चार्ज लूंगा। ये चार्ज का, ये इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का नाटक मैं एक महीने से रोज देख रहा हूँ। मौत के मुंह में फंसे मेरे भाई को कौन बचाएगा सर? बताइए ना सर, बताइए। देखो मिस्टर, हमारे ड्यूटी में कुछ फॉर्मेलिटीज रहते हैं। बिना सबूत और गवाहों के हम किसी पर केस नहीं कर सकते। ड्राइवर चलो। नहीं कमल, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हारे भैया के आते ही इस गांव को छोड़कर कहीं दूर जाकर हम लोग शांति से रहेंगे। चाचा जी ने पुलिस कमिश्नर से बात की, वो बोले तुम्हारे भैया को वो बहुत जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। तब तक तुम्हें शांति से रहने के लिए कहा है। क्या शांति, कब तक हाथ बांध के बैठा रहूं मैं? कमल। हाँ भाभी, जो गायब हुआ है वो मेरा भाई है, उसके लिए कोई और परेशान होने वाला नहीं है। उनकी मुसीबत से और किसी को क्या परेशानी होगी? सबके होते हुए मेरे भाई अनाज जैसे हो गए। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। पता नहीं वो कहाँ होंगे भाभी, पता नहीं कहाँ होंगे। इतने दिनों से वो घर नहीं लौटे, पता नहीं जिंदा है या। कमल, मेरी बात से दुख हुआ हो तो माफ करना, माफ कर देना भाभी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तू किसी की मैयत में बजा रहा है। किसी को मारने से पहले जो धुन बजाते हैं वो वाला बजाओ। ये तो दूसरा राग है रे, ये नहीं रे। अब तुझे कैसे समझाऊं? अरे यही तो एक वीकनेस है, मर्डर करने वालों का नाम याद रहता है लेकिन राग याद नहीं रहता। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे कोई फालतू राग बजाओ। श्रीराम के छुपाए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। सब सही है ना? सब ठीक है। अरे ये तो अच्छी बात है, जा मजे कर। श्रीराम को छोड़ दूं क्या? क्या रे, उसे छोड़ देगा? अगर उसे छोड़ देंगे तो जो रिकॉर्ड हुआ है उसके माइंड में उस मैटर का क्या करेंगे? हेलो। अपने भाई को देखने के लिए तेरे अंदर कितनी तड़प थी ये मैंने आज देखा। बाबू नायडू, तेरे जैसा छोटा भाई बड़ा भाई को मिलेगा तो राम क्या करेगा और लक्ष्मण क्या करेगा? अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे रे 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 रे। तुझ में तो बहुत जोश है, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? और जोर से चिल्लाओ। आधी रात को आना, तेरे भाई से मिला दूंगा। ए बाबू नायडू, यू ब्लडी। कमल, कमल, Thank you.
क्या कह रहे हो कमल? तुमने कहा वो सच है? सच है अंकल। बीच रास्ते में भैया की लाश को फेंक कर वो लोग भाग गए। तुम कहां से बात कर रहे हो? मैं वहीं से बात कर रहा हूं अंकल। कमल तुम रुको, मैं आ रहा हूं। भैया हमें छोड़कर चले गए। कमल मेरी बात सुनो। मैं अकेला हो गया हूं। कमल प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ, मैं अभी निकल रहा हूं। देखो बेटी, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और हम लोग कर ही क्या सकते हैं बताओ। भगवान, मेरे पति के अलावा मैं किसी भगवान को नहीं जानती थी, इसीलिए उस भगवान ने मेरे भगवान को छीन लिया। ऐसा क्या पाप किया था मेरे पति ने जो उस भगवान ने मेरे पति को सजा दी? वहां मेरे देवर का क्या हाल होता होगा? अरे भगवान। धीरज रखो। पता तूने अपने भाई को क्यों मारा? पता 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 पता। रुकिए, क्या है ये? आप इंसान हो? मार डालेंगे इसे क्या? हटिए आप। आई एम सॉरी कमल, क्या हुआ मुझे बताओ। कोर्ट में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, न्याय दिलवाऊंगा। मुझ पर यकीन करो, तुमने अपने भाई को क्यों मारा? वेद व्यास, तुम अपनी नौटंकी पुलिस स्टेशन में मत दिखाओ, किसी ड्रामा कंपनी में दिखाओ, नाम मिलेगा। मेरी बात तुझे नौटंकी लग रही है? हाँ, पुलिस ऑफिसर होकर भी तुम जो कर रहे हो नौटंकी तो है। माँ के दूध को जहर साबित कर सकते हो तुम, और जहर को तुम माँ का दूध साबित कर सकते हो। धर्मराज की वर्दी पहनने से कोई कसाई धर्मराज नहीं बन जाएगा। क्या रे बहुत बोल रहा है? तुझे यहीं पर खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं मारेंगे। क्यों पता है? एक ही बार मार देंगे तो उसमें मुझे क्या मजा आएगा? तुझे एक एक घंटे में, एक एक पल में मारूंगा मैं। मार दे रे, मार दे। अगर तेरी बदकिस्मती से मैं जिंदा बच गया ना, तो बाद में तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अच्छी तरह सोच ले, मार दे मुझे। पुलिस द्वारा दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक कटघरे में खड़ा यह दोषी एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। दिखने में तो यह मासूम है, लेकिन इसने एक प्लान के मुताबिक इसने अपने सगे भाई श्री राम की हत्या की है, और उस हत्या का आरोप बड़ी चालाकी से बाबू नायडू पर मढ़ दिया, जो इस शहर के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक गवाह को अदालत में पेश करना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। लायर प्रताप शर्मा, लायर प्रताप शर्मा, लायर प्रताप शर्मा। अपने तेज दिमाग से न्याय की दुनिया में काफी लोगों को इन्होंने न्याय दिलाया है। ये एक महान व्यक्ति हैं। आज ये इस केस में गवाह बनकर आए हैं, इसके लिए अदालत इनके शुक्रगुजार होगी। मिस्टर प्रताप शर्मा, इस केस के बारे में आपको जो कुछ पता है आप उसे कोर्ट में बताइए। श्री राम की पत्नी जानकी मेरी बेटी जैसी है। इस फैमिली के साथ मेरा घरेलू रिश्ता है। श्रीराम और कमल को मैं अपने सगे बेटे की तरह मानता हूं। कमल और श्रीराम हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे, लेकिन यह झगड़ा हत्या तक पहुंच जाएगा मैंने यह सोचा भी नहीं था। 5 नवंबर की रात लगभग 12 बजे कमल ने मुझे फोन किया
इसने मुझे बताया कि गुस्से में श्रीराम की हत्या कर दी। अंकल ये क्या कह रहे हैं आप? इसने मुझसे कहा कि मुझे किसी तरह बचा लीजिए। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं इसकी बताई हुई जगह पर जब पहुंचा तो देखा कि श्रीराम की लाश के पास ये बैठा था। ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। ये कमल के खिलाफ कोई साजिश है। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ सर, ये सब कुछ झूठ है। ऑर्डर ऑर्डर। कमल निर्दोष है, उसने ये खून नहीं किया है। देखो बेटी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहो, नहीं तो बाहर जाओ। चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कमल मेरे बेटे जैसा है, हमारा रिश्ता गलत कैसे हो सकता है? सर, इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए, कमल बेकसूर है सर। प्यार और रिश्ते से बढ़कर मेरे लिए कानून का महत्व है, इसीलिए मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। ये झूठ है, ये हरामी भी उन लोगों से मिल गया है। बाबू नायडू के पैसों के खनक ने इसे उसका गुलाम बना दिया है। मिस्टर प्रताप शर्मा, कमल ने श्रीराम की हत्या क्यों की, उसका असली कारण आप बता सकते हैं? एक शरीफ इंसान होने के नाते मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन एक लॉयर होने के नाते मैं इसे छिपा नहीं सकता। किसी भी इज्जतदार इंसान को अपनी पत्नी का नाजायज संबंध सहन नहीं होगा। इसी संबंध ने श्रीराम की जान ले ली। श्रीराम की पत्नी जानकी और इस कमल के बीच नाजायज संबंध है। मेरी सीता जैसी भाभी पर लांछन लगाता है, कहता है मुझसे गलत संबंध है, छोड़ूंगा नहीं। I'll kill you, kill you bastard। जान से मार दूंगा। कमल नाम के इस दोषी द्वारा किए हुए हत्याओं का पर्दाफाश होने पर आईपीसी 302-304 सेक्शन के मुताबिक दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। आग में इसने अपने पति को मरवा डाला। चीची, इस गांव में ऐसी औरत अगर रहेगी तो माँ बेटे भी बात करेंगे तो पब्लिक गलत सोचेगी। श्री राम की पत्नी जानकी और इस कमल के बीच नाजायज संबंध है। कमल और श्रीराम हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे, लेकिन ये झगड़ा हत्या तक पहुंच जाएगा मैंने ये सोचा भी नहीं था। इसने मुझे बताया कि गुस्से में श्रीराम की हत्या कर दी। इसने मुझसे कहा कि मुझे किसी तरह बचा लीजिए। श्रीराम की पत्नी जानकी और इस कमल के बीच नाजायज संबंध है। ये लीजिए, ये खत आपके भाभी ने लिखा। कमल, माँ बेटे के रिश्ते को नाजायज कहने वाली इस दुनिया में मैं रहना नहीं चाहती, इसीलिए इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ। तुझे अकेले छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दे बेटा। मेरी आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना करना।
नमस्ते सर। नमस्ते। सलाम साहब। आधा वर्ज है। कमल, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी इस लड़ाई में हम सब तुम्हारा साथ देंगे। नहीं, ये लड़ाई में अकेले लड़ूंगा। देखो जिद छोड़ो, बाबू नायडू और उसके गैंग को खत्म करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम सब तुम्हारा साथ देंगे। उसे मैं अकेला ही खत्म करूंगा। तुम खुद को अकेले क्यों समझते हो? हमारी आधी जिंदगी तो इस जेल में पत्थर तोड़ते हुए निकल गई। बची हुई जिंदगी तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के लिए निकल जाए तो हमें खुशी होगी। अपने मतलब के लिए तुम्हें बलिदान नहीं कर सकता। कौन किसकी जान बलिदान कर रहा है भाई? इस जेल में फांसी का फंदा हमारा इंतजार कर रहा है, फिर भी हम मौत से बचकर कितने दिन जिएंगे? हमारी बात मानो। सही कह रहा है बाबू नायडू, जैसे आदमी को मारेंगे तो पुण्य मिलेगा। तुम लोग सिर्फ अपनी बात कर रहे हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम हमारी बात समझो कमल, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े और यहाँ आकर मिले। 5 साल से इस नरक में रह रहे हैं, 5 साल। अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमें जीने का मकसद मिलेगा। बेकार की जिद मत करो कमल। कमल, और कुछ मत सोचो, हमारे साथ हाथ मिलाओ। हाँ, हाथ मिलाओ। पत्थर तोड़ने के लिए सभी कैदियों को पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं, लिस्ट में अपना भी नाम है। यहां से भाग जाने के लिए हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है। चलो बंदे राव, चलो। चलो भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। चलो भरते रहो, चलो आगे आओ। चलो भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, कोई रुकेगा नहीं। चलो भाई, हम लोग जो खाना दे रहे हैं उसके बदले में तुम लोग अच्छा काम करो। ठीक से काम करो वरना तोड़ डालूंगा। ए, क्या कर रहा है तू? जो 4 कैदी जेल से भागे हैं उनमें से 3 बहुत ही खतरनाक हैं, और चौथा नाम भूल रहा हूं उसका, मैं अपने सगे भाई की हत्या करके जेल में आया हुआ है। ताज्जुब हो रहा है, चारों के चाल चलन में अंतर है। वो चारों मिलकर भाग गए, इसका मतलब एक गुट बनाया होगा, नहीं तो इसके पीछे उनका कोई बड़ा प्लान होगा। प्लीज कम इन मिस्टर प्रसाद, दिस इज मिस्टर चक्रवर्ती, ये स्पेशल ऑफिसर है जो इस केस को डील करने के लिए आए हैं। हेलो हेलो, बाय द वे, एनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन? उन चारों ने बेनीपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को मारकर उनका ट्रक छीन लिया है। जेल से मैं ये फोटो लेकर आया हूँ सर। सर, फरार होकर इन लोगों को सेफ रहने के लिए नागपुर फॉरेस्ट ही एक अच्छी जगह हो सकती है, शायद वो लोग वहां पहुंच गए होंगे। I see. कौन है रे?
तुम लोगों को बताना ही पड़ेगा। पूरा ले लो, लेकिन मुझे मत मारो, मेरी फैमिली है, मेरे बाप का तो सर। ए, बाबू नायडू का झूठा खाने वाले कुत्ते, वही खाना खाके तू सांड बन गया है ना? कितने बेकसूर लोगों को मारा है तूने, कितने परिवार बर्बाद किए हैं, चल खा। नहीं खाऊंगा। अरे खाऊंगा तो मर जाऊंगा। नहीं खाएगा तो जान ले लूंगा। खा ले। हेलो हेलो बाबू नायडू, कौन है कौन है? सलाखों के पीछे एक एक दिन एक एक साल जैसा बीता है मेरा, इसलिए जेल की दीवारों को तोड़कर तेरे लिए बाहर आ गया हूँ बाबू नायडू। मैं क्या हूँ, मेरी ताकत क्या है, ये तुझे पता नहीं चला क्या? सुनो, सोए हुए शेर को जगाओ मत। एक घंटे पहले तेरी लंका में आग लगा दिया मैंने, और तेरा पालतू कुत्ता खान अब लाश बन चुका है। डरने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे बाद तुझे डर लगेगा भी नहीं, क्योंकि डरने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। ये नहीं है रे। अगस्त 15 के पहले स्वामी को जो मैंने मारा था वो राग सुना, याद है ना तुझे? ना दी ना दी ना ना दी। याद आ गया, याद आ गया। ये भी नहीं रे। क्या ये, जब भी कुछ निकालता हूँ बोलता ये नहीं ये नहीं ये नहीं, बताइए सीन क्या है, उसके बाद मैं परफेक्ट राग दूंगा। इस चिड़िया के अभी तक पंख भी नहीं आए हैं, वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। औवा! अरे एक घंटे में 10 मर्डर करने वाले मुझको 24 घंटे के अंदर मार दूंगा तुझको, ऐसी धमकी दे रहा। आफ्टर ऑल उस कमल के बारे में आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है सर, आपके साथ एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट है सर। थैंक्स मेरे भाई, लेकिन जब वो कमल से जेल से भाग गया तब तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? टेबल कुर्सी पर आपका नाम लेकर बाबू नायडू करके भजन गा रहा था। और जब उसी कमल ने मेरे गोडाउन में आकर आग लगाई तब घंटी बजाते हुए फायर ब्रिगेड वाले तो आए, लेकिन तुम्हारी पुलिस क्या कर रही थी? एक दूसरे की टोपी निकाल के सर खुजला रही थी। अच्छा सुनो, सारे लोगों को लेकर जाओ और जाकर कमल को ढूंढो, फिर उसकी लाश लेकर आओ, और हाँ उस वकील के घर पर 10 लोगों का पहरा रखो। अपने लोगों की रक्षा नहीं करेंगे तो इस देश में छत्रपति शिवाजी के पैदा होने का क्या फायदा, मेरे पैदा होने का क्या फायदा? तुम लोग जाओ, ए पुलिस भाई तुम मेरे साथ आओ। उस कमल को पकड़ने के लिए लंबू है, बड़े बड़े पुलिस वालों से कुछ भी नहीं हुआ, तू क्या करेगा हैं? क्या रे, तू लंबू है इसलिए भाव खा रहा है, मैं टिंगी हूँ इसलिए मुझे नेगलेक्ट कर रहा है। मेरे बारे में तू जानता नहीं है, अभी तेरे को पता है मैं बॉडी यूज नहीं करता, अपना ब्रेन यूज करता हूँ, ब्रेन। अबे दादा तू हंसता नहीं है क्या रे, देख के लग रहा है जैसे पत्थर की मूर्ति है।
अबे तेरे पास इज्जत लाज शर्म कुछ है तो एक बार हंसना बे। तू नहीं हंसेगा रे, नहीं हंसेगा। तेरी तो ए, तेरी दाढ़ी, तेरे बाल काट कर उनकी रस्सी बनाकर तुझे फांसी लगा दूंगा। तेरा खेल खत्म। अरे अरे अरे, अरे चाकू का क्या काम है? अरे तुम बड़े अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो। इसे अंदर रख लो, अंदर रख लो। तेरी दाढ़ी अच्छी है, तेरी हाइट अच्छी है, तू बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, मस्त है, मस्त आदमी है, क्या आदमी है, क्या आदमी है। मैं इसकी बताई हुई जगह पर जब पहुंचा तो देखा कि श्रीराम की लाश के पास ये बैठा था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कमल मेरे बेटे जैसा है। जानकी और इस कमल के बीच नाजायज संबंध है। इडियट, गेट के पास जो वॉचमैन था कहाँ चला गया? वो जाकर उसे बोलो मुझसे आकर मिले। जी सर। सावित्री, सावित्री, रुको रुको सर, वकील साहब की लाश है। दिखाई नहीं दे रहा क्या? वही है। बाप रे, ट्रक से कोई लूना लड़ गया हो, ऐसा डैमेज हो गया सर। कितना बैड लक है ये। वो तो ठीक है सर, कमल ने आपको जो टाइम दिया था उसमें से 6 घंटे बीत चुके हैं। अब पता नहीं कौन से घंटे में कौन से मेकअप में आपकी लाश देखनी पड़ेगी। कभी कभी देखने के लिए मैंने आज तक आपके साथ एक फोटो तक नहीं खिंचवा पाया। अबे पागल, यहाँ पे एग्जीबिशन थोड़ी है बे। लेके जा इसे, नहीं तो फटाफट करके खड़ा हो जाएगा। अबे लेके जा। नमस्ते सर। ये स्पेशल ऑफिसर चक्रवर्ती हैं। इस केस को डील करने के लिए आए हुए हैं सर। क्या है ये, क्या तमाशा है ये? आप लोगों के निकम्मेपन की वजह से और कितने मासूमों की हत्या होगी ये जानना चाहता हूँ मैं। अरे रे 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 रे। उस कमल को देखो, वो लोगों को फटाफट मारते चला जा रहा है और आप लोग शांत होकर बैठे हुए हैं। उसे पकड़ते क्यों नहीं? कमल को पकड़ने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर वही तमाशा है, आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन हत्यारा नहीं मिलता है। हाँ, हत्याएं जरूर होती हैं। आप कुछ फ्रस्ट्रेशन में लग रहे हैं। समाज में ईमानदारी से रहने वाले आप जैसे लोगों को हिम्मत से रहना चाहिए। हाँ, हिम्मत से, अच्छा आइडिया है। हेलो, कमिश्नर हियर। सर, मैं चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। चक्रवर्ती, क्या बात है? यहाँ पर वकील का खून हो गया है। क्या बोला? हाँ सर, ये मर्डर कमल ने किया साबित हो गया सर, और उनके साथ सिक्योरिटी के लिए रखे गए 4 लोगों का भी खून हो गया सर। तो फिर हम लोगों को और अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो बाबू नायडू की जान को भी खतरा हो सकता है। एक काम करो, उनकी सिक्योरिटी को और इंक्रीज कर दो। वो सब इंतजाम कर दिया है। और सर, आप ऑफिस नहीं आ रहे क्या? मैं नहीं आ सकता। क्या हुआ सर? कुछ भी नहीं, मैं अभी आने की स्थिति में नहीं हूं। चक्रवर्ती, जस्ट अ मोमेंट। बाबू नायडू हर आधे घंटे में कहां रहता है, मुझे फोन करके अपडेट करते रहो। जी सर।
कमल, ये बिल्कुल गलत है। तुम कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कानून? वो हमारी जिंदगी से खेल रहे थे तो तुम्हारे कानून ने बचाया क्या? हमेशा खुश रहने वाला हमारा हरा भरा परिवार जब बर्बाद हुआ तब तुम्हारे कानून ने हमें बचाया क्या? इंसाफ के लिए मैं तुम्हारे सामने रोया, अपने भाई की जान बचाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर गड़गड़ाया था। बाबू नायडू के अन्याय के कारण मेरा भाई बलि चढ़ गया, बदनामी की आग में जलकर मेरी भाभी राख हो गई। कानून की हत्या तो आपने अपने हाथों से की है। कानून और कायदे की बात करने का हक तुमने बहुत पहले खो दिया है सर। सर 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 सर, मेरा एक छोटा सा डाउट है सर। क्या है? उस कमल को शूट करना अच्छी तरह से आता है क्या? क्यों? इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर उसने मेरे बॉस को शूट किया तो गोली मुझे लगने के चांसेस तो नहीं है ना सर? हाँ, ऐसे होने का भी चांस है। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू? अरे अब कौन सा गॉड ब्लेस यू, लगता है बॉस के चक्कर में मैं भी गया काम से। गोली लगना भी पक्का, मेरा मरना भी पक्का। भैया भाभी मरे नहीं है, वो जिंदा है। मैंने इस घर में जो मस्ती की है और भैया जो गुस्से से डांटते थे, भाभी ने मुझे माँ की तरह पाला है। उन लोगों का प्यार दुलार इस घर के हर जगह में मुझे दिखता है। कमल, अपने भाई को इतना प्यार करने वाले तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। रूपा, अपनों के बारे में इतना सोचते हो तुम, मेरे बारे में तुमने एक पल भी नहीं सोचा। बदले की आग में चलने वाले तिल को प्यार की जरूरत नहीं है। बदला, आज रात को ही बाबू नायडू को मार डालूंगा। क्या उसे जान से मार देने से तुम्हारे भाई वापस आ जाएंगे? माफ करना रूपा, मेरे हर कदम पर मेरे साथ रहकर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, मुझे पीछे मत खींचो। तुम्हारी बातों में आकर बदला नहीं लूंगा तो वो मेरा स्वार्थ होगा। इससे अच्छा तो होगा कि मैं पुलिस के हाथों मर जाऊं और भैया भाभी के पास पहुंच जाऊं। बताओ बताओ रूपा, क्या करूं मैं, मर जाऊं या भावनाओं को जिंदा रखूं? बताओ रूपा बताओ। तेरे बीवी बच्चे कैसे हैं? ठीक है साहब। चल ठीक है। नो 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 नो,
तुम किसी को भी निगलेक्ट मत करना, हर किसी पर नजर रखो। Hey, पुलिस ऑफिसर, क्या है ये? हमें घर से बाहर जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? आखिर यह हक तुम्हें दिया किसने है? स्पेशल ऑफिसर ने आपको मना किया है सर। अरे कौन है वो स्पेशल ऑफिसर? तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बाहर मत जाओ। अरे ऐसा क्या सेटअप लगाया है? ये हम लोग के साथ क्या मजाक चल रहा है? हम लोगों ने हंसना तक बंद कर दिया है। क्यों सर, हम लोग कितने सीरियस हो गए हैं ना? हाँ। डर के मारे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। देखो ऑफिसर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, अरेस्ट किसे करना है, मुझे या उस कमल को? देखिए, कमल जेल से भागा है तो सिर्फ आप ही को मारने के लिए, वो इसी मौके को ढूंढ रहा है। तो क्या है, कमल को तो मौत से डर नहीं है, आपको हर पल बचाने के लिए हम लोग दिन रात आपके साथ यहाँ पे मौजूद है, बाकी आपकी मर्जी। आहा, ये तो बिल्कुल सीरियसली बोल रहे हैं, लेकिन आप ही मजाक में ले रहे हैं। अरे चुप रहे। नमस्कार सर, मैं बाबू नायडू बोल रहा हूँ। बोलिए। कोई परेशानी तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके पुलिस वाले मुझे बहुत परेशान किए जा रहे हैं। अरे मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, लेकिन ये चक्रवर्ती जाने नहीं दे रहा है। वो जो बोल रहे हैं वही कीजिए। अरे साहब बात ये है, मैं क्या हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, ये तो आपको पता ही है। अरे मैं अपनी खुद की गाड़ी में जाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो सबके साथ चलने को बोल रहा है, अगर कुछ हो गया तो। देखिए नायडू साहब, आपकी जिंदगी और मौत के बीच जो पुल है वो चक्रवर्ती साहब है, आपको बचाने के लिए मैंने उन्हें अपॉइंट किया है। अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिन और जिंदा रह जाएं। ऐसा है क्या, तब तो ठीक है, चलो भाई। जॉनी, हमारे वापस आने तक इस पर नजर रखना। ओके। देखो कहीं ट्रैफिक जाम हो गया तो। अरे भाई देख कर आओ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? आपको सिक्योरिटी दे रहा हूं सर। अरे तू मुझे क्या सिक्योरिटी देगा? आप नहीं जानते, अगर कोई बुलेट आकर आपको लग गई तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? आपको क्या होगा सर, निशाना चूक गया तो होगा मेरा। अरे चुप, मरने वाला कभी भी मरेगा। हाँ? कभी क्यों, उधर देखो निशाना लगाया हुआ है। बाप रे। जल्दी आ जाओ, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर ये लोग हमारी कैसे सिक्योरिटी करेंगे? लगता है सब डर कर भाग गए। सिक्योरिटी नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन दोबारा ऐसा लोचा ना करें। मतलब कहीं सिक्योरिटी वाले ने आपको टपका दिया तो?
पता भी नहीं चलेगा किसकी गन से मौत हुई। देखिए फिर एक्स्ट्रा है, असल में तू ही मुझे डरा कर मेरी आधी जान ले लेगा। अरे सर, मैंने आज तक आपका कितना नमक खाया है, आपकी लाश देखकर मैं कितना रोऊंगा आपको पता नहीं है सर। देखा ना क्या हुआ, तुम्हारे जोश से तुम्हें क्या मिला, एक अच्छे दोस्त को खो दिया तुमने, कल तुम्हारा भी यही हाल होगा। कमिश्नर के हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से बोल रहा हूँ, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम लोग सरेंडर कर दो, सजा कब मिले ऐसी पूरी कोशिश करो। तेरी पुलिस ने मेरे दोस्त को मारा है, अब मैं तेरी जान ले लूंगा। देखिए कितनी बड़ी तस्वीर छपी है आपकी। ए, इसे देखो, देखो। लगता है इस पेपर वाले का दिमाग खराब होते जा रहा है। अरे रे 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 रे। जेल से फर्र करके फरार होने वाला वो नेशनल हीरो बन गया, और समाज में इज्जत से रहने वाला मैं स्मगलर हूँ, एक ड्रग्स सप्लायर हूँ। अगर ऐसा है तो इस देश में गांधी जी के पैदा होने का क्या फायदा, मेरे पैदा होने का क्या फायदा। देखिए पेपर में छपी हुई हर बात को आप जैसे लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। लेकिन भाई पब्लिक तो पढ़ती है ना। अरे मैं क्या करूं, ये लिखा जिसने है उसको फटाफट पकड़ो और बराबर करो। सुनिए, समाज में बहुत इज्जतदार बाबू नायडू साहब को एक क्रिमिनल स्मगलर बनाकर लिखना बहुत ही गलत बात है। कमल जैसे खतरनाक मुजरिम को नेशनल हीरो बनाकर लिखना बहुत ही गलत बात है। आपने पेपर में छपे हुए शब्दों को पढ़ा लेकिन उसके पीछे छिपे दर्द को नहीं समझा। आखिर कमल को आपने समझा क्या है? आपकी नजर में वो एक भागा हुआ मुजरिम और हत्यारा है, पर मैं उसे प्यार करने वाली उसके दिल को जानती हूँ। पत्थर को मंदिर में रखकर पूजा करें तो भगवान बन जाता है, लेकिन कमल जैसे अच्छे इंसान को राक्षस और हत्यारा बनाया आपने। सगे भाई की हत्या का आरोप लगाया आपने। माँ से ज्यादा प्यार करने वाली भाभी के साथ नाजायज संबंध का आरोप लगाकर बेइज्जत किया आपने। उसके दिल से प्यार मिटाकर उसे हैवान बना दिया। कूल डाउन रूपा, हमने उसे राक्षस बनाया ठीक है, उसकी प्रेमिका बनकर तुमने क्या किया? अगर तुमने सच्चा प्यार किया होता तो उसे रास्ता बदलने के लिए कहती, लेकिन तुमने कहा उसे? कहा था, कहती रही हूँ और आगे भी कहती रहूंगी। तुमने कमल से बात की? इतने पुलिस वालों को नहीं दिखने वाला मुझे कैसे दिखा, ये ताज्जुब हो रहा है ना। प्यार करने वाले हर इंसान को कमल दिखेगा, सताने वाले आप और अपने पुलिस वालों को ना ही दिखेगा और ना मिलेगा। सच में मेरे और कमल के बीच में कोई दुश्मन ही नहीं है, तुमने जैसे बताया वैसे मैं उसे एक अच्छा इंसान समझ सकता हूँ। कमल को अच्छे रास्ते पर लाना यही मेरी कोशिश है, और अगर यही कोशिश तुम्हारी है तो तुम दोनों के लिए अच्छा है। चलता हूँ। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध जोर जोर से, बहुत ही जोर जोर से चल रहा था। हाथ में धनुष बाण लेकर अर्जुन रथ पर था और कृष्ण रथ चला रहे थे, तभी सामने से कर्ण आया। अर्जुन का रथ कर्ण के रथ की ओर सई 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 करके भागा, और कर्ण का रथ भी अर्जुन के रथ को देखकर रई 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 करके भागा। सई रई सई रई सई रई, दौड़ शुरू हो गई। ए कृष्णा, अर्जुन ने पुकारा। कृष्ण ने कहा कि क्या बात है, तो अर्जुन ने पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो कृष्ण बोले कि सही से तीर चलाओ, और अर्जुन ने तीर चलाया। जब कर्ण ने देखा कि अर्जुन का तीर सर करके मेरी तरफ आ रहा है, तो कर्ण ने भी दो तीर छोड़ा, अर्जुन का एक तीर कर्ण का दो तीर सर करके एक दूसरे से टकरा गए। अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, अब मैं क्या करूं कृष्ण, कर्ण भी उधर से तीर छोड़ रहा है। कृष्ण ने पूछा कितना तीर, अर्जुन ने कहा दो तीर, कृष्ण ने कहा कि तुम चार छोड़ो, अर्जुन ने फिर छोड़ा चार तीर जो कि सर करके कर्ण की ओर बढ़ा। तब कर्ण ने भी आठ तीर छोड़ा सर करके, इस तरफ से अर्जुन का चार तीर, उस तरफ से कर्ण का आठ तीर, एक दूसरे की तरफ बढ़े सर 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 सर, और एक जगह पर आकर सारे तीर टकरा गए, फिर जोर से आग लग गई। अच्छा बताओ, तुम लोगों के लिए एक सवाल है, कर्ण ने टोटल कितने तीर छोड़े? ए तू बता रे। अर्जुन ने एक तीर छोड़ा है,
तो करण ने दो छोड़ा, फिर से अर्जुन ने चार और करण ने दो छोड़ा तो ए, तू बता रहे अब एक दो अरे तीन। अकलमंद लोग तो तुम ही लोग हो ना, खाली करके सर नहीं लाने का, पॉइंट पकड़ने का। मैं बताऊं? बताऊं। कर्ण ने जो तीर छोड़े वो अर्जुन के तीर से एकदम डबल थे, समझ में आया ना? सर एक मिनट, अर्जेंट है। हाँ। चलो। रूपा एक न्यूज रिपोर्टर ही नहीं, उस कमल की टाइम पास लवर भी है, इसीलिए आपके खिलाफ और उसके सपोर्ट में लिख रही है। उस सीबीआई वाले ने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन मेरे हाथ में आती तो दोनों हाथों में से एक हाथ कट गया होता। लेकिन ये तुम कर नहीं पाए। अब मैं कहता हूँ वो तुम सुनो, अगर वो मेरे हाथ आ गई होती तो मैं उसके बाल पकड़ कर खींच कर पब्लिक में लाता और द्रौपदी का चीरहरण फ्री में दिखाता। नहीं तो इस दुनिया में दुर्योधन के पैदा होने का क्या फायदा, मेरे पैदा होने का क्या फायदा? हेलो, कौन है? मैं चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। बोलिए। हमारे पुलिस वालों ने शक करके एक गाड़ी का पीछा किया था, अचानक उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें तीन आदमी मर गए। मरने वालों में से एक आदमी कमल है, ऐसा हमारा शक है। हेलो हेलो मैडम, मैडम सुनिए। कमल, नो। रूपा ने कहा फोन किया, ट्रेस करो। सर वो पुलिस कमिश्नर के घर का फोन है। कमिश्नर साहब के घर? दो। हेलो। हेलो, मैं रूपा हूँ, कमल से बात कर सकती हूँ? हेलो रूपा। कमल, कमल। रूपा क्या हुआ बताओ? तुम ठीक तो हो ना? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ हो गया है ऐसा सीबीआई ऑफिसर ने कहा, इसीलिए फोन किया। कमल, कमल। क्या हुआ कमल? धोखा हुआ है, हमें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो। ये बात हर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो। ओके सर। कमिश्नर साहब के घर पर पूरा पुलिस फोर्स पहुँचना चाहिए। ओके सर। उनके घर को चारों तरफ से घेर लो। यस सर। मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। ओके सर। और हाँ, जब तक हो सके तब तक फायरिंग मत करना। यस सर। किसी भी कीमत में वो लोग नहीं निकलने चाहिए। ओके सर। ओके सर। मुझे छोड़ दो, मेरी बात मानो, आप लोग सरेंडर हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ आपसे। देखिए सुनिए, हमारे कारण आपको दुख हुआ हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। आपको लगता हो बाबू नायडू को मानना गलत है तो हमारे जाते ही दरवाजा खोल दीजिए, और लगे कि हम धर्म और न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो सुबह तक इंतजार कीजिए। सुबह तक इंतजार करूंगी बेटा, तुम्हारे साथ जो घिनौना अन्याय हुआ है उसके बारे में पता है। माँ बेटे के संबंध को अगर नाजायज संबंध कहेंगे तो कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं अकेली ही नहीं, हर माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। जा बेटा। पीछा करो। हाँ, फॉलो करो उन्हें।
कमल सीधे तरह से सरेंडर कर दो वरना तकलीफ में पड़ जाओगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं इंस्पेक्टर। बाबू नायडू की मदद करने वाले हर इंसान की जान ले लूंगा। देखो बिना किसी कारण के आदमी की जान ले लूं, मैं बाबू नायडू जैसा इंसान नहीं हूं और ना ही हत्यारा हूं। मेरी बात सुनो कमल, मेरी बात मानकर सरेंडर हो जाओ। जोश में आकर अब तक तुमने जो कुछ भी किया मैं उसे कोर्ट में माफ करवा दूंगा। तुम्हारी दया या मेहरबानी की भीख नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे कानून की ताकत दीवार बनकर उसके चारों तरफ खड़ी हो जाए ना, तब भी उसकी जान ले लूंगा, वो भी आज रात को। कमल तुम अंदर जाओ, मैं यही रहता हूं। रूपा रूपा वेलकम मिस्टर कमल, वेलकम। मुझे पता था तुम यहां जरूर आओगे। रूपा अब हमारे पास है। प्रेमिका के लिए आकर तुमने अपने ही हाथों से फांसी लगा ली। उस दिन तो उससे कहा था ना, अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी बात ना मान के तूने अपनी मौत को खुद बुलाया है। रूपा कहाँ है? बाबू नायडू ने अपने गोदाम में छुपा रखा है। सूर्या 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 बाबू नायडू का पूरा ब्यौरा। आज तक उसने जितने भी अन्याय और पाप किए हैं, स्मगलिंग और चीटिंग की है, पाप और भ्रष्टाचार किए हैं, जो कुछ भी किया है उन सब का ब्यौरा इस पेपर के अंदर मैंने लिख दिया है। थैंक्स से क्या होता है सर, मेरी जान को खतरा नहीं है, इसका भरोसा दिलाइए। जरूर, गॉड ब्लेस यू। क्या कहा इंस्पेक्टर प्रसाद को कमल ने मार डाला, ये बात बताते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? कमल ने जो हत्या की वो एक पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि खाकी ड्रेस में पिस्तौल से डरने वाला वो एक मामूली गुंडा था सर। यू कैन गो। क्या बोल रहे हो तुम? ये पेपर पढ़िए सर, ये बाबू नायडू के पीए ने दिया हुआ स्टेटमेंट है।
उसने हर एक काला धंधा किया है। ड्रग्स, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, बाबू नायडू के हर एक काले धंधे के पीछे इंस्पेक्टर प्रसाद का पूरा हाथ था सर। यहाँ ड्यूटी करके डिपार्टमेंट से बहुत गद्दारी की थी उसने। ऐसे आदमी को मारकर कमल ने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि उसने न्याय किया है। चक्रवर्ती, क्या सर? कमल के घर में आग लगाने वाले कौन थे और उसे हत्यारा बनाने वाले भी कौन थे सर? मुझे सब पता है चक्रवर्ती। अभी समझ में आया सर, असली गुनहगार तो हम लोग हैं और अपना डिपार्टमेंट भी। न्याय को बचाने वाले हमें लोगों ने न्याय को लॉकअप में ही मार डाला। अभी कमल को मारकर कोई फायदा नहीं होगा सर, ये याद रखिए। एक कमल मरेगा तो 100 कमल पैदा होंगे। आई एम सॉरी सर, इतना पावर होके भी मैं इस तरह से नहीं रह पाऊंगा। ये खाकी वर्दी उतार कर मैं कमल की मदद करूंगा। कम से कम न्याय को न्याय दिला पाया, ये तो संतुष्टि मिलेगी। नो नो नो, तुम एक सिंसियर ऑफिसर हो, अपनी ड्यूटी से पीछे मत हटो। क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। उस बाबू नायडू को हम अरेस्ट करेंगे, इट्स माय प्रॉमिस। लेकिन उसे अरेस्ट करने से पहले कमल कोई मर्डर ना करे, ये हमें देखना होगा। कमल को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू सर। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता कमल कहाँ है, सचमुच नहीं पता। तुम मुझे कितना भी सता लो, मैं यही कहने वाली हूँ, अगर पता भी चलेगा तो भी नहीं बताऊंगी। इतनी आसानी से बता दोगी तो इस सीन का क्या होगा? जब मैं छोटा बच्चा था तब मैंने सलीम अनारकली की फिल्म देखी थी, सेम टू सेम कहानी फिर मैं देख रहा हूँ। अरे 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 अरे, क्या लव है, क्या मोहब्बत है और क्या प्रेम कहानी है। अगर इन दोनों को लेकर फिर से वही फिल्म बनाएंगे तो सुपर हिट हो जाएगी। देखो, चूहे को पकड़ने के लिए पिंजड़े में रोटी लगाना पड़ता है और दुश्मन को पकड़ने के लिए उसका वीक पॉइंट पकड़ना पड़ता है। और कमल का वीक पॉइंट तो तुम ही हो ना, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए यहाँ दौड़ कर आएगा और मेरे हाथ से कुत्ते की मौत मरेगा। हाँ। हाँ, कमल मेरे लिए जरूर आएगा, कड़क बिजली के साथ तूफान जैसा आएगा, इंसान को लाश बनाने वाली इस फैक्ट्री को शमशान बना देगा। ओ, बंद कर। Thank you.
नहीं तो मैं तुम सबको छलनी कर दूंगा। Oh.